बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने तुर्किश कुजीन से एक ब्रेड चूज़ किया है, जैतिली बीटा। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बनती है। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 500 ग्राम 500 ग्राम मैदा ले लिया है। इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून हीस्ट, 4 टेबलस्पून जाएगा इसमें ड्राई मिल्क, और 1 चम्मच जो है छोटे चाय का चम्मच टीस्पून जो है वो नमक, और 1 टीस्पून ही इसमें चीनी चली जाएगी। और इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर के दूध पे, हर चीज़ जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे ही होगी, रूम टेम्परेचर पे हम दूध से इसको गूंद लेंगे। ये देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल नरम गूंदना है इसको। और इसको गूंदने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी राइस होने के लिए। दूध का इस्तेमाल मैंने तकरीबन आधा किलो किया है, उसमें से मेरे 2 टेबलस्पून बच गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नरम होनी चाहिए। अब हम इसको राइस होने के लिए रख देते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं जो कि हमारी ब्रेड में जाएंगी। ब्रेड अब तकरीबन राइस हो चुकी हुई है, उससे पहले मैं आपको ये चीज़ें बता दूँ जो उसके अंदर जाएंगी। 4 टेबलस्पून के करीब मैंने स्प्रिंग ऑनियन ले लिया, दोनों ही से ले लिए, वाइट भी और ग्रीन भी। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने 3 टेबलस्पून सॉरी मैंने ग्रीन जलेपिनोज ले लिए हैं, 3 टेबलस्पून मैंने रेड जलेपिनोज ले लिए हैं, और ये मैंने ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स ले लिए हैं 2 टेबलस्पून। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ ली है, जैसे मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है वो मैंने 100 ग्राम्स ली है। यहाँ पर हेलोमी चीज़ ली है, वो मैंने 100 ग्राम ही ली है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो आप इनको इनका ऑल्टरनेट ले सकते हैं, और या इनको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम चीज़ ही पसंद है तो आप कम चीज़ इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ पर मैंने ले लिया है दही लिया है 2 टेबलस्पून, ऑयल ले लिया, ऑलिव ऑयल लेना है तकरीबन 2 टेबलस्पून, और यहाँ पर मैंने तिल ले लिए हैं काले और सफ़ेद रंग के, अगर जो भी आपके पास मौजूद हो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कलौंजी ले ली है तकरीबन 1/2 टीस्पून, तिल जो है मैंने 1-1 टीस्पून ली है, कलौंजी मैंने 1/2 टीस्पून के करीब ली है, और ये जो है मेरे पास ड्राइड मिंट है ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। अगर तो ड्राइड मिंट नहीं है तो जो पुदीने के पत्ते हैं उनको खुश करके ड्राई करके उनको पीस कर इसमें डाल सकते हैं, और 1 अंडा जो है हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हम अपनी डो को देख लेते हैं जो कि राइस कर चुकी हुई है। डो बहुत ज़्यादा हाथों को चिपकेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ढीली, हमने इसको बहुत ज़्यादा ढीला ढीला गूंदा हुआ है। तो इसके अंदर अभी हम ऑयल डालते हैं, ये देखिए आप, ये तकरीबन हमारे हाथों से अच्छी तरह से गिरना शुरू हो जाएगी। इस कंसिस्टेंसी में हमने इसको बनाना है। और अच्छा, अब इसको हम ले लेते हैं। इसके अंदर जो चीज़ें सारी मैंने बताई थी वो सब के सब, ये सारी सब्जियां और ये जो जलेपिनोज और ऑलिव ये सब चले जाएंगे, मिंट और कलौंजी ये चला गया हमारा, सफ़ेद ज़ीरा काला ज़ीरा चला गया, इसमें दही चली गई 2 टेबलस्पून जो बताई थी। और अब हम इसके अंदर अब 1 अंडा तोड़ के डाल लेंगे, और इन सब चीज़ों को आपस में हमने मिक्स करना है। बहुत सख्ती से मिक्स नहीं करना, हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए आप, इस तरह से तकरीबन हर चीज़ इसमें मिक्स हो चुकी हुई है। ओके, यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, मक्खन लगा लिया है इसकी हर तरफ, और अब इसके अंदर ये जो मेरी ब्रेड है इसका सारा मिक्सचर चला जाएगा। इसको मैं ऐसे फैला दूँ क्योंकि ये ब्रेड अभी राइस करेगी बनने के दौरान, तो मैं इसको इसमें थोड़ा सा स्प्रेड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्के हाथों से इसको, ताकि अगर ये जब फूल के बाहर आए तो बहुत ज़्यादा इसकी शेप जो है वो ख़राब नहीं हो। इसको सारे आटे को मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दी हूँ, लेकिन हल्के हाथों से। अच्छा, अब इसको जो है मैं
मैंने जो माइक्रोवेव अपना ओवन है वो प्री हीट कर लिया है, तकरीबन मुझे 20 मिनट्स हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। और इसको 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे 200 सेंटीग्रेड पर। तो इसको अब मैं अपने ओवन में रख देती हूँ और इंशाल्लाह फिर मैं जैसे ही ये 40 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, ये हमारी ब्रेड बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। और इसमें बस एक स्टेप जो था मैं मिस कर गई थी कि इसमें आपने जो चीज़ थी वो भी सारे चीज़ों के साथ इकट्ठे ही मिक्स कर देना। तो जब हमारी डो राइज हो जाती है तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स दिखाए गए हैं सबको इसके अंदर ऐड करना है। और उसके बाद हमने इसको तकरीबन 45 मिनट बेक कर लिया 200 सेंटीग्रेड पर। और इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।